सिर्फ कह नहीं रहे हैं, ये पर्सनली मैंने भी ट्राई किया है तो बड़ा बढ़िया रहता है कहने का मतलब। एक और चीज रितिका बताना चाहूंगी कि हम ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को यूज ना करें, बिल्कुल सही कह रही हैं, सम्मानित प्रोडक्ट हो, यानी कि ब्रांडेड। यस, ब्रांडेड, बिकॉज हम अगर नॉर्मल, हम एक फेक वीडियो से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे वीडियोज ही हमारी सेहत के लिए या त्वचा के लिए अच्छे होते हो। हर एक चीज को पहले हम वेरीफाई करें कि हमारे स्किन के लिए अच्छा तो है ना। इसलिए अगर अच्छी ब्रांड के हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो स्किन केयर शायद में भी अच्छी तरीके से रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं दीपिका कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह के अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं पैसे बचाने के लिए, कई बार होता उसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपकी स्किन पे जो एलर्जी हो जाती है। तो सही कहा दीपिका ने, देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी हमने 20 चीज देखी है कि धूप में अगर आप निकलते हैं तो लू लगने की जो आपको ना संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें, जैसे कि दीपिका ने कहा था, कि धूप में ज्यादा से ज्यादा आप जाने से बचें, क्योंकि इससे आपका जो गर्मी का प्रकोप है काफी हद तक कम पड़ जाएगा, इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और सबसे बात है अंदरूनी जो अपना स्वास्थ्य है आप उसमें भी सुधार ला पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि परहेज करना, कुछ चीजों का परहेज करना भी जरूरी है, जैसे कि आप जो खाना खाते छोटे छोटे अंतराल में खाना खाए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, इस तरह की काफी सारी बातें जो हम इस पूरे आज के चर्चा में हम आगे भी करेंगे। और साथ ही रितिका हमें अब गर्मी से जो होने वाली बीमारियां हैं, बिल्कुल बहुत अहम मुद्दा है दीपिका, क्योंकि ये बीमारियां, कई रैशेज हमें बॉडी पर हो जाते हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें हो जाती है जैसे जीवन घातक स्थिति बन जाती है हमारे शरीर को लेकर, जैसे तापमान कुछ ही मिनटों में हमारा 103% सही बढ़ सकता है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज्यादा गर्मी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो तापमान कुछ मिनटों में ही बढ़ जाएगा, आप उसे महसूस भी नहीं कर पाएंगे और जैसे बेहोशी की हालत में आप हो सकते हैं उससे। जी बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि बेहोशी की हालत में हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है दीपिका कि बुखार भी आ जाता है गर्मी में, आपने देखा होगा लोग सोचते हैं गर्मी में बुखार पर होता है क्योंकि आपको जब हीट स्ट्रोक हो जाता है तो हीट स्ट्रोक की वजह से आपको काफी सारी जो बीमारियां हैं वो भी पैदा हो जाती हैं। साथ ही हम बात करें कि गर्मी में दीपिका देखा गया है कि आमतौर में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज हमें मिलती है वो होती है गर्मी की वजह से थकावट हो जाती है, आप बहुत एकदम एनर्जेटिक आप फील नहीं करते हैं, और गर्मियों की वजह से कई बार ये भी होता है कि आपको लूज मोशन का शिकार होना पड़ता है, आपको उल्टियां होने लगती हैं। इस तरह की हीट स्ट्रोक से ये जो बीमारियां हैं ये काफी घातक साबित कई बार हो जाती है, और साथ ही में कई बार हमें गर्मी की वजह से मांसपेशियों में खिंचाव भी महसूस होता है, दर्द एक महसूस होता है जिससे हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। नॉर्मली हम फैमिली से भी एक अपना कम्युनिकेशन नहीं बना पाते, बाकी लोगों से नहीं बना पाते, क्योंकि गर्मी के अंदर हम इतना इरिटेट हो जाते हैं कि हम अच्छे से अपना जीवन व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि गर्मी के कारण होता है कि पानी की कमी अब जब अपने शरीर में पैदा होने लगती है, तो चिड़चिड़ेपन की जो दीपिका ने बात कही बहुत कॉमन चीज है, पर आप सब रिलेट कर पाते हैं क्योंकि चिड़चिड़ापन काफी गर्मी की वजह से पैदा हो जाता है। वही अगर बात करें दीपिका तो धूप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं मानती हूँ कि जो भी लड़के भी हमें देख रहे हैं, जो पुरुष भी हमें देख रहे हैं, वो भी मेरी बात से अग्री करेंगे कि टैनिंग की बड़ी इशू हो जाती है। देखिए दीपिका, आमतौर पे देखा जाता है कि जब मेकअप प्रोडक्ट्स की बात हो जाती, टेक केयर की बात हो जाती, रूटीन केयर की बात आती है, तो लोग महिलाओं का चेहरा उनके सामने आता है कि भाई महिलाएं ही ये सारी चीजें करती है। पर दीपिका आपने देखा होगा कि आजकल महिलाओं से ज्यादा जो पुरुष है वो अपनी स्किन केयर का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैंने देखा है लोग फेशियल्स कराते हैं, स्कार्फ पहन के लड़के निकलते हैं, हाथ में दस्ताने पहन के निकलते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको इस तरह का पूरा प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो जो मैंने टैनिंग की बात की दीपिका, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और कई बार ऐसा भी होता है दीपिका कि बॉडी में पेन होने लगता है, स्किन आपने देखी होगी, सुना भी होगा कई बार दीपिका कि स्किन में रैशेज होने लगते हैं, लाल त्वचा हो जाती है, छाले तक पड़ जाते हैं दीपिका, और साथ ही में एक बॉडी में एक जलन से होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम जैसे ही हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो हम उस पे नॉर्मली खुजाना शुरू कर देते हैं, हाँ, उसकी वजह से स्किन छिल जाती है और उस पे एक जलन होती है, उस वैसी कुछ बीमारियों से भी हमें गर्मी से बचाव हो सकता है। जी बिल्कुल, दीपिका ने ये जो बात कही है हीट रैशेस की, हीट रैश का सिर्फ एक ही लक्षण नहीं होता है, कई सारे लक्षण होते हैं, जितना ये सुनने में आसान लगता है आप डॉक्टर के चक्कर काटते रह जाएंगे, पर हम आज कोशिश करेंगे कि हम इस वार्तालाप में, आज की चर्चा में उन सारी बातों को कवर करें, उन सारी बातों के बारे में बात करें जिनसे कुछ चीजों का ख्याल रख के आप घर पे इन चीजों का इलाज कर सकते हैं। तो चलिए दीपिका बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे घर में आसपास के लोग हमेशा से कहते हैं ना कि भाई अगर सही खान पान हो तो काफी सारी जो बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दीपिका जब गर्मियों में बात आती है सही खान पीन की, तो सबसे पहले नारियल पानी का जो नाम है वो सामने आता है, क्योंकि नारियल पानी को
नारियल हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है, नारियल हमारे स्किन के लिए भी अच्छा लगता है, और जो सबसे बड़ी बात है नारियल के अंदर जो मलाई होती है उसका फेस पैक भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही में खाने के साथ में जो हम एक ठंडी ठंडी छाछ पीते हैं, और गर्मियों में छाछ का जो मजा है वो आप देखेंगे, गांव के लोग जो सब्जी यूज ही नहीं करते हैं अधिकतर, वो छाछ ही अपना एक खाना उसको बना लेते हैं, उसी के साथ रोटी और एक वो लाल चटनी, बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, बहुत अच्छी लगती है, गर्मी का सबसे बेस्ट खाना हो जाता है छाछ के, बड़े चाव के साथ दीपिका खाते हैं। अब गांव की बात करी आपने, तो गांव के साथ साथ शहर में भी देखिए कि भले आप कॉर्पोरेट ऑफिस में देख ले, बढ़िया आपके लंच आ रहे हैं, ब्रंचेस आ रहे हैं, पर छाछ तो कंपलसरी हो ही जाती है हर घरों में, गर्मियों में आप कह सकती है मिलती है। तो दीपिका इसी बीच अगर हम बात करें कि ऐसी चीज की, एलोवेरा जिस हम सभी जानते हैं, हम सबके घरों में पाया भी जाता है, तो एलोवेरा एक ऐसी चीज है कि ना सिर्फ दीपिका आप इसको हेयर मेकअप प्रोडक्ट में, हेयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि एलोवेरा की सब्जी बना के खाई भी जाती है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे इसके अंदर एंटी एजिंग और काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके शरीर को अंदर से तो ठंडा रखती है और बाहर से भी काफी तरह से कह सकते हैं कि जो फायदा करती है। इसमें सबसे ज्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है, आप इसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं, आप इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे यूजेस हैं आजकल, आपने दीपिका देखा जरूर होगा, आई एम श्योर आप, मुझे लगता है कि आपने यूज भी किया होगा एलोवेरा का, लोग ना फेस पैक लगाते हैं, उसके अंदर खीरा और पुदीना मिलाकर काफी सारी मतलब एक मिश्रण बनाकर लगाते हैं। बिल्कुल, और एक और चीज बताना चाहूंगी आपको कि आजकल की जनरेशन कुछ पुरानी चीजों पे ध्यान नहीं देती, मगर जो पुदीना है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। भारत में सबसे अधिक उपभोग की जाने वाली जड़ी बूटी हम इसे कह सकते हैं। इसे आमतौर पर शरीर से गर्मी के प्रभाव को बेहतर के करने के लिए बिल्कुल भोजन या पेय में जोड़ा जा सकता है, जो कि बड़ा एक अच्छा भी होता है, और हम इसे छाछ में भी मिलाकर पी सकते हैं। अगर हम इसे नॉर्मल वैसे नहीं खा सकते, हम इसकी चटनी बना सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक अद्भुत शीतलन प्रभाव भी प्रदान करता है। और दही, छाछ या नींबू, इन सब में हम पुदीना मिलाकर पी सकते हैं, ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। जैसे कि दीपिका आपने भी बात की पुदीने की चटनी की, तो बिल्कुल देखिए पुदीना जो है इसकी काफी सारी दवाइयां भी बनती है हमारे, आपको नहीं लगता दीपिका कि हमारे हिंदुस्तान में काफी हमारे हिंदुस्तान में जो जो चीजें हैं वो सिर्फ एक चीज में इस्तेमाल नहीं की जाती है। देखिए पुदीने की बात करें तो पुदीने की दवाइयां भी बनती है, उसको सुखा कर लोग रख लेते हैं, जब पुदीने का सीजन चला जाता है बाद में सब्जी में डालते हैं, सारी मतलब बहुत तरीके से जो आप कह सकती है इस्तेमाल किया जाता है। आजकल देखा होगा आपने दीपिका, आई एम श्योर की पुदीने के जो फेस वॉश है वो भी निकाले गए हैं। बिल्कुल 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 जी, और साथ ही बात करें कुछ और अच्छे फूड्स की, तो तरबूज हमें गर्मी में सबसे ज्यादा खाना चाहिए, बिकॉज वो हमें एक वाटर जो एक होता है वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है, और तरबूज खाने से जैसे हम नॉर्मल पानी पीते हैं उसी के बराबर वो उसी मात्रा में हमें पानी भी देता है, तो तरबूज भी हमें खाना चाहिए, साथ में खीरा हो गया, ऐसी चीजें हमें यूज करनी चाहिए, पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, क्योंकि इससे फाइबर से भी भरपूर होते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसमें फाइबर कहने का मतलब आपका कि फाइबर भरपूर होते हैं, फाइबर की जो मात्रा है वो भरपूर तरीके से जी रितिका पाई जाती है। दीपिका बिल्कुल आपने सही कहा। दीपिका चलिए ये सारी बातें तो हम लगातार जारी रखेंगे, अब मैं जानना चाहूंगी कि देखिए हम लोग रोज पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, सारी चीजें, पर ये जो गर्मी का मुद्दा है ये बड़ा अहम मुद्दा है। देखिए चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में तपती धूप में भी जो लोग हैं बड़े सटीक तरीके से, मैं कह रही हूँ पूरे नियम के साथ अपने पूरे कर्तव्य निभा रहे हैं, लोग चुनाव में वोटिंग के लिए जा रहे हैं लंबी लंबी कतारें, पर नींबू की जब बात आती है तो हर जगह आपने देखा होगा छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं ना, तो नींबू पानी की चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो शोध में देखिए हम लोग हमेशा ये सुनते हैं कि नींबू जो है उसके अंदर विटामिन सी होता है जो कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है, बॉडी को ठंडा रखता है, और नींबू का एक इस्तेमाल नहीं ये तो हम सब जानते हैं, नींबू का अचार बना के खाया जाता है, नींबू के फेस प्रोडक्ट्स आते हैं, फेस वॉश आता है। तो नींबू का कहने का मतलब है कि अगर इस गर्मी में आप नींबू का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको तरोताजा भी बनाए रखेगा। बिल्कुल, और साथ ही में हम एक बात करें तो हम सैलेड बड़ा यूज करते बिल्कुल हैं सही खाने का के साथ में, और उसमें जो प्याज आता है उसका आनंद आप हर जगह हर एक खाने बिल्कुल में, हर प्याज चीज में तो लेते खाना हैं। पूरा ही नहीं होता है, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि प्याज की तासीर भी ठंडी होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं, कैरोसेटीन से भरपूर माना जाता है जो एंटी एलर्जी के साथ रूप में काम करता है, ये आपको लू से भी बचाता है। सही कह रही है, और गर्मी में सबसे ज्यादा जो लू ही चलती है जो आमतौर पर हमें लग जाती है बाहर निकलने से, तो आप ज्यादा से ज्यादा लू के वक्त में या ज्यादा गर्मी में प्याज जरूर खाएं, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए।
दीपिका बहुत सही बात करी। देखिए प्याज की जब बात आती है तो दीपिका देखिए हम इंडियंस हैं, मतलब जी अपने यहाँ कितना कोई भी तरीके का खाना बने पर जो सलाद में जो हमारे प्याज जो होता है वो कंपलसरी होता है। और आपको जैसे कि दीपिका जी ने बताया कि प्याज में जो इन्होंने क्वालिटीज बताई प्रॉपर्टीज बताई हैं प्याज का इस्तेमाल, दीपिका आजकल हर प्रोडक्ट में आप देखिए काफी सारे ऐसे ब्रांड हैं जो मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी, आजकल उसके शैम्पूज बना रहे हैं, ऑयल्स बना रहे हैं, क्योंकि प्याज का उपयोग जो है वो सिर्फ आप एक चीज में नहीं बहुमुखी चीजों में आप कर सकते हैं। और एक हैं। और चीज बताना चाहूंगी रितिका कि प्याज के रस को अगर हम बालों में लगाते हैं तो एक अच्छी ही लेयर बनती है और एक अच्छी चीज हो रही है। हमारे प्याज का रस अगर हम लगाते हैं तो उससे बाल भी लंबे होते हैं, शाइन करते हैं। तो प्याज के और भी कई महत्व हैं जो हमें जानना जरूरी है, और गर्मी में तो ये बहुत ही काम करता है, गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और देखिए दीपिका ये चीज मैं थोड़ा पहले से ही जानती थी, क्योंकि क्या होता है कि अपने परिवारों में आमतौर पे जब देखिए एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, मैं समझती हूँ कि हमारी जो जनता है वो भी रिलेट कर सकती है, कि गर्मियों में गैस्ट्रिक का इशू बहुत ज्यादा लोगों को होता है। आमतौर पर हर घरों में ये चीज पाई जाती है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी नानी दादी मम्मियां जो हमारी होती हैं तो वो क्या करती हैं कि अजवाइन खाने की जो अपने को सलाह देती हैं, हर घरों में आपको अजवाइन मिली जाती है। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अजवाइन में आपको पता होना चाहिए कि 90% पानी होता है। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, इसमें काफी सारे जो पोषक तत्व होते हैं। सबसे बड़ी बात है गर्मियों में आपको ठंडा रखने का जो सबसे बेस्ट तरीका एक कह सकते हैं वो अजवाइन होता है, क्योंकि इसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, काफी सारी ऐसी क्वालिटीज होती है, कैल्शियम होता है, इसमें जिंक भी होता है। और सबसे बड़ी बात है आपकी बॉडी की टेम्परेचर को जो अजवाइन है वो ठंडा रखता है जी। और एक और चीज बताना चाहूंगी रितिका आपको कि गर्मियों में हमें कई चीजों से प्रॉब्लम होती है, सही कहा तो आपने। हमें क्या उनके बचाव के लिए एक्सरसाइज भी करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही कह रही हैं, जीवन से ही एक रिलेटेबल है कि हम योगा करें या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें गर्मी से जिससे बचा जा सकता है। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइज है रितिका? बिल्कुल, एक्सरसाइज की जैसे आपने बात की तो देखिए जो कुछ लोग अगर जिम जाना पसंद करते हैं तो मैं समझती हूँ उनको जिम जाना चाहिए, जो लोग वॉक करना पसंद करते हैं, जो लोग योगा प्रेमी हैं तो आप योगा कर सकते हैं, कई तरह के प्राणायाम होते हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि दीपिका ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है कि व्यायाम जो है वो आपको 12 मास में तो कहती हूँ करना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है व्यायाम करने से आपकी जो बॉडी हेल्दी वे में थकती है और आपको जो नींद है ना वो बड़े बढ़िया तरीके से आती है। तो आप योग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे योग करने से क्या होगा कि जो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़िया रहता है और आपकी जो बॉडी है तनाव से दूर होती है और आप बहुत ही कहने का मतलब है जो एक तरह से आप बढ़िया महसूस करते हैं। तो देखिए ये सारी सामने बातचीत की है दीपिका, मैं बातचीत तो चलिए अपनी जगह है, मैं जानना चाहूंगी कि बचपन में कोई ऐसा किस्सा आपकी जिंदगी का हो जो आपको याद आता हो। जैसे क्या होता था जब हम छोटे होते थे तो खेल के आते थे तुरंत पानी पी लेते थे, तो क्या मम्मी मम्मी और वगैरह दादी नानी वगैरह कुछ कहा करती थी उस वक्त? बिल्कुल, बड़ा बुरा डांटती थी, कहती थी ठंडा पानी मत पियो या नहाकर आओ पहले, या अच्छा इतना पसीना तुम्हें आ रहा है तो इसे पहले अच्छे से साफ करो, साफ करो, नहाओ, अच्छे से फ्रेश हो जाओ। तो हम क्या करते थे, बाहर बाहर से आते थे और सीधा ठंडा पानी पी लेते थे, फिर दूसरे दिन हमें हमसे बोला नहीं जाता था, हमारा गला बैठ जाता था। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं, मगर अब आजकल की जनरेशन में कहां मम्मी पापा कुछ बोलते हैं, इन चीजों का हमें खुद को ही ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा गर्मी से आए तो हमें ठंडी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। सही, जो कि हम कर देते हैं यूजुअली हम लोग कर देते हैं। दीपिका इस तरह के क्या होते हैं कि बड़ा कम मौका मिलता है इस तरह के किस्सों के बारे में बात करने का, मगर एक चीज कह सकते हैं कि काफी सारी सीख मिलती है, जो जैसे दीपिका ने बताया कि आप अगर गर्मी से आ रहे हैं तो तुरंत पानी ना पिए, इससे आपका गला चोक हो जाता है, क्योंकि ठंड गर्म जिसको बोला जाता है आम भाषा में, हर घरों में ठंड गर्म आपको हो जाती है। तो देखिए गर्मियों में अब हम बात करेंगे कि किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए जिससे आप काफी हद तक यू नो बच सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं छोटे वो जिद करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं और उसके बाद ये होता है कि बीमार पड़ जाते हैं। दीपिका यही बात मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए बच्चे जो होते हैं वो जंक फूड्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं, उनको टेस्ट उसी में ही आता है। बिल्कुल, जैसे उनको पिज्जा बहुत पसंद होता है, बर्गर वो लोग खाते हैं, हॉट डॉग जैसी चीजें, तो ये फूड पॉइजनिंग भी कर सकती है बच्चों के लिए, ये सेहत खराब कर सकती है, क्योंकि इनमें ये ऑयल से बने हुए होते हैं जो बहुत गर्मी करती है आपको अंदर से। तो ऐसी यूज चीजें करने से पहले आप बच्चों को उससे दूर रखें और उनको हेल्दी खाना, अच्छा खाना खिलाएं जो उन्हें गर्मी में ठंड करे, क्योंकि ये सारी चीजें फूड पॉइजनिंग करवा सकती है, आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है और भी कई बीमारियां हो सकती है जिससे आपका बच्चा जूझ सकता है। तो अच्छा यही होगा कि आप उनको हेल्दी खाना खिलाएं जो ठंड करे।
सही, आपने बिल्कुल दीपिका सही बात कही है कि बच्चे जो होते हैं, चलिए बड़ों को तो हम समझा लेते हैं, पर बच्चे जो होते हैं वो जिद करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि फास्ट फूड की दीपिका ने जो बात कही, देखिए हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल बाहर कुछ खाए पिए नहीं, पर क्या होता है कि बाहर जो चीजें मटेरियल बनाई जाती हैं वो कब से रखी हुई है, कब की बनी हुई है, वो आपको नहीं पता होती। कहने का मतलब है आप जो भी खाए कोशिश करें। गर्मियों में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, हमारे घरों में भी कहा जाता है ना कि भाई ताजा बना हुआ खाना खाओ, तो वो आप कोशिश करें। तो दीपिका चलिए काफी सारी हमने बातचीत की है, हम इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि आप मतलब शरीर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि गर्मियों में नींद नहीं आती है, नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, तो काफी सारे नींद ना पूरे होने की वजह से जो नुकसान है वो देखने के मिलते हैं, आपकी स्किन पे असर पड़ता है, आपकी माइंड पे असर पड़ता है, तो इस बारे में आपका क्या अपना विचार है? देखिए रितिका, गर्मियों में ये हमारे साथ होता है कि हम अच्छे से पर्याप्त रूप से नींद नहीं ले पाते। सही कहा, इससे थकान बनी रहती है और चिड़चिड़ापन हमें एक पैदा हो जाता है, क्योंकि एक नींद ही हमें है जो बड़ा रिलैक्स फील कराती है, और अगर हम वो अच्छे से नहीं करेंगे तो वो हमें एक इरिटेशन पैदा कर देती है हमारे अंदर, और एक ऐसा इरिटेशन कि हम लोगों से कम्युनिकेशन नहीं बिठा पाते, हमारे झगड़े हो जाते हैं और हम पूरे दिन ऐसे अजीब सा फील करते हैं। तो नींद हमें इस टाइम पे प्रॉपर अच्छे से लेनी लेना बहुत चाहिए। जरूरी है जी, बिल्कुल सही कहा दीपिका ने कि नींद ना पूरी, सही नींद पूरी ना मिलना, एक नींद हो पूरी होना और एक सही नींद लेना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर ये सब चीजों का, जैसे कि हमने आज काफी सारे आज के टॉपिक में बातचीत की, सही खान पीन के बारे में बात की, सही रूटीन के बात की, तो आप अच्छी एक नींद ले सकते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए ऐसा देखा जाए दीपिका, अगर हम बात करें तो प्रकृति से ही जीवन है, प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है, गर्मी भी एक प्रकृति का ही हिस्सा है जिसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए, मगर जो प्रकृति देती है उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं उसी चीज में छुपा होता है, हमने आमतौर पर देखा है, तो ढूंढना बस हमें होता है, बात इतनी सी होती है। तो इस गर्मी जो आपको बाकी लोग देख रहे हैं दीपिका, तो उनको तो कोई कोई टिप्स देना चाहेंगी, कोई क्या कहना चाहेंगी? देखिए जो ये अच्छा तो दीपिका आप भी अपनी पर्सनल लाइफ से उस चीज को यूज करती हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बातचीत कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में किन किन चीजों का ख्याल रखती हैं गर्मियों में? देखिए ये चीज सच है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। सही, क्योंकि अगर वो हमें ठंड देती है तो हमें गर्मी भी देती है, और गर्मी के अंदर वो हमें ठंड भी देती है। ऐसे ही कई झरने भी प्रकृति के अंदर है, कई नदियां हैं। सही कहा, और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप बच सकते हैं, जैसे कि आप सुबह जल्दी उठकर आप योगा करें, बिल्कुल, और वो जो ठंडी हवाएं उन्हें महसूस करें, वो आपको इतना रिलीफ फील करवाती है। और एक नंगे पैर आप धूप पर चलिए, एक जो धूप होती है उस पर चलिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और कहते हैं नंगे पैर धूप पर चलने से चश्मा भी निकल जाता है, चश्मा हट जाता है, तो उन चीजों को आपको महसूस करना चाहिए। शाम को आप जब भी टहलने जाएं बाहर तो उनके साथ नारियल पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, या आइसक्रीम खाते हैं तो उन ठंडी हवाओं को भी महसूस करना चाहिए। और हमें पौधों को पानी पिलाना चाहिए, पौधों से जो ठंडी हवा पानी पिलाने के बाद आती है उसका आनंद कुछ अलग ही है। शुद्ध और खुली हवा में गहरी सांस लीजिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, और झील और झरने जैसी जगह पर आप घूमने भी जा सकते हैं गर्मियों में। दीपिका ने इतनी खूबसूरत बातें कही हैं, इस बीच में इनको ध्यान से सुन रही थी क्योंकि दीपिका ने अपनी बातों में सारी चीजों को कवर कर लिया। बिल्कुल ये सही कह रही है कि नंगे पाओ आप घास पर चलिए, इससे काफी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गहरी सांस यानी ये मेडिटेशन के अंदर चीजें आ गई आपके, आप गहरी सांस लेते तो कई कई सारे प्राणायाम बताए जाते हैं जिसमें ब्रीदिंग के टेक्निक्स होते हैं, उससे काफी सारी जो आपकी अंदर की एंजाइटी की आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो कहा जाता है आमतौर पर कि एंजाइटी का अगर आपके अंदर इश्यू है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात की जो मैं जरूर करना भी चाह रही थी कि देखिए गर्मी में मैं ये चाहती हूँ कि ये हमारी पूरी News 21 की टीम की तरफ से कि इस गर्मी आपके आसपास जितने भी पशु पक्षी हैं उनको आप प्लीज अपनी तरफ से सेवा करें, पानी डालें, परिंदे बनाएं आपके आसपास अपने घरों के बाहर, आप कोशिश करें कि जो जानवर है उनके लिए आप पीने की एटलीस्ट आप पीने का पानी रखें, तो काफी सारी आप अपनी तरफ से अपने लेवल पे उनको हेल्प भी कर सकते हैं। तो देखिए दीपिका, गर्मी से नुकसान तो बहुत है पर नुकसान से बचने के उपाय भी बहुत है। अब देखना और जानना है कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं, हम पर निर्भर करता है। तो अब हम आप ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्किन केयर की हमने बात कर ली, सारी चीजों की बात कर ली, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि गर्मी में आप जब ऑफिस आती हैं तो किस तरीके से अपनी टेक केयर करती हैं? जी देखिए, मैं घर से जब निकलती हूँ अच्छे से पानी पीकर निकलती हूँ ताकि मुझे डिहाइड्रेशन ना हो और मैं अच्छे से ऑफिस पहुँचूँ, स्किन का पूरा केयर करके स्किन को ढककर मैं ऑफिस आती हूँ। और हम
आज जो पूरा डिस्कशन है, पूरा जो टॉपिक है, वो सारा हम इस पे एक खत्म करना चाहेंगे एक चीज पे, और न्यूज 21 के परिवार की तरफ से कि आप सभी, ये निवेदन है आप सभी से कि आप सब जब भी घर से बाहर जाएं, पेय पीकर जाएं, पानी पीकर घर आने के बाद अपने चेहरे को पानी से धोएं और बर्फ से मसाज जरूर करें। बिल्कुल सही, वो आपको बहुत रिलीफ करेगी और तरोताजा महसूस करवाएगी। जी बिल्कुल सही कहा दीपिका ने कि जब आप घर से बाहर जाएं तो पानी पी के जाए। एक साथ एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी दीपिका आपकी बात में, कि जब आप घर से बाहर निकले तो अपने बैग में एक पानी की बॉटल जरूर रखे, अपने पास कुछ चॉकलेट या टॉफी रखे। वो इसलिए क्योंकि आपके ग्लूकोज लेवल को एक मेंटेन करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका शुगर लेवल जो कहते हैं वो लो नहीं होता है। इसी तरह से हम ये चाहेंगे कि अपने आसपास जीव जंतुओं का भी ख्याल रखें। तो आज इस डिस्कशन में, पूरे डिस्कशन में मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपिका ने, मैंने मिलके आपसे जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, काफी सारी बातें हमने गर्मी को लेकर जो शेयर की, उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक से, आज की वार्तालाप से काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसी तरह की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज 21 के साथ। नमस्कार।